नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 25,00,000 रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है और सीबीआई को हिदायत दी है कि पीड़ित परिवार को जरूरी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। कुलदीप सेंगर 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंगर की सह आरोपी शशि सिंह को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया था। शशि पर आरोप था कि वो ही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थी। वहीं इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने में देरी के लिए भी कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर के वकील ने कोर्ट के सामने दलील पेश की कि सेंगर पर उनकी पत्नी और दो बेटियों की जिम्मेदारी है, इसीलिए सजा देते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए। वहीं पीड़िता के वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उम्र कैद की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने इस मामले में सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। दरअसल ये मामला 2017 का है, जब उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद बलात्कार किया था। इस मामले में पीड़िता के पिता की भी मौत हो गई थी। आरोप है कि कुलदीप सेंगर के भाई अतुल ने उनकी पिटाई की थी, जिससे बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया था, जिसके बाद बीजेपी ने सेंगर को पार्टी से निकाल दिया। सेंगर के जेल जाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सेंगर पर यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता का एक्सीडेंट करवाया जब वो कार से अपने परिवार के साथ जा रही थी। इस सड़क दुर्घटना में पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और यह मामला लखनऊ से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई का भी आदेश दिया था। कुलदीप सेंगर पर इसके अलावा 3 और केस चल रहे हैं। इनमें कस्टडी में पीड़िता के पिता की मौत, सड़क दुर्घटना में परिवार के 2 सदस्यों की मौत और पीड़िता के चाचा को झूठे मामलों में फंसाने का मामला है। इन 3 मामलों की सुनवाई भी दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में हो रही है।